ठीक है बोलू, वट इज अ कन्वर्जिंग मिरर? कन्वर्जिंग मिरर वो मिरर होते हैं जो कि उसके ऊपर पड़ने वाली लाइट को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज कर देते हैं। ठीक है, होता क्या है इसको ध्यान से समझिएगा, थोड़ी सी सिंपल थ्योरी है, थोड़ी सी मुश्किल थ्योरी है। अब ये मेरे पास कोई एक कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, इसका ये वाला हिस्सा मैंने पेंट कर दिया और आगे वाला रिफ्लेक्टिंग बना दिया। ठीक है, अगर मेरे पास कोई एक गोल, मान लो कि था तो ये इसी का हिस्सा जिसका ये सेंटर था, तो मतलब कि ये किसी एक सर्कल का ही तो हिस्सा है जिसका कोई सेंटर हुआ होगा। और हमें ये नियम पता है किसी भी गोल सरफेस की जो नॉर्मल है वो क्या होती है, वो हमेशा उसके टेंजेंट से पास होने वाली। ये क्या है, ये नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, टेंजेंट बना दी, ये भी नॉर्मल। तो जो भी लाइन उसके सेंटर से उसके सरफेस पे जाएगी वो क्या कैसे एक्ट करेगी, एक नॉर्मल की तरह एक्ट करेगी। मैं नॉर्मल की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब भी हम मिरर की बात करते हैं, मिरर में तीन रेस का बहुत बड़ा योगदान है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे। अगर मुझे इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल को बताना है तो मुझे उसको विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल रे बताना है, तो इसलिए मैंने एक नॉर्मल रे बनाने के लिए मैंने आपको ये बात बताई है। तो अब अगर मैं बात करूं तो ये अगर कोई एक लाइन अगर मैं इसके सेंटर से पास करवा दूं, कोई एक लाइन इसके सेंटर से पास करवा दूं तो वो उसके नॉर्मल की तरह एक्ट करेगी। और नॉर्मल से मान लो कि कोई लाइन, अब कोई रे ऑफ लाइट इस सरफेस के ऊपर ऐसे आके टकरा के गई, कोई रे ऑफ लाइट इस सरफेस पे ऐसे गई, ये क्या बन गई इसकी, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। ये मेरे पास एक प्लेन मिरर है और ये मैंने कहा कि एक लाइट इस सरफेस के ऊपर ऐसे पड़ी कि वो उसके ऊपर नॉर्मल थी, तो वो वैसी की वैसी फॉल बैक हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये जो लाइन होती है ना इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जो इसके एक्सिस के ऊपर फॉल, जो लाइन एक्सिस से आई इसके ऊपर फॉल हुई और दोबारा इसी पे वापिस चली गई, तो ये क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस। इस पे भी इंसिडेंट रे और एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इस पे भी फॉल हुआ है। ठीक है, बट इसमें क्या था कि वो इसी के ऊपर फॉल कर रहे थे, तो इसलिए हम आपको बता नहीं पाए। अब कोई एक रे ऑफ लाइट है जो कि इसके पैरेलल आई और इस सरफेस पे आके टकराई, जब कोई रे ऑफ लाइट इसके सरफेस पे आके टकराएगी तो क्या होगा, वो एक इंसिडेंट रे है। अब वो इंसिडेंट रे क्या ढूंढ रही है, एक नॉर्मल ढूंढ रही है, जब तो वो रिफ्लेक्ट करेगी, तो इसकी जो नॉर्मल है वो रे है जो कि इसके इस वाले सेंटर से पास हो रही है। ये जो रे है ना ये इस समय किसकी तरह बिहेव कर रही है, रेड वाली, नॉर्मल रे की तरह। ठीक है, ये नॉर्मल है और ये रे का नाम क्या है, इंसिडेंट रे। अब ये जो एंगल है ये थीटा एंगल है, जो इस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट इंसिडेंस। अब रिफ्लेक्शन कहां होगी, रिफ्लेक्शन उतने ही एंगल पे होगी जितना ये एंगल है। ठीक है, और ये जो एंगल है ये इस हिसाब से हमने मेंटेन किया और हमने एक लाइन बनाई, तो वी गेट टू नो कि ये लाइन यहां से होके पास होके निकल गई। ठीक, ये लाइन यहां से पास होके निकल गई। ठीक, अब एक दूसरी लाइन ली मैंने इसके पैरेलल, ये भी अब कैसे एक्ट कर रही है, इंसिडेंट रे की तरह, और इंसिडेंट रे की तरह एक्ट कर रही है, तो ये क्या ढूंढ रही है, नॉर्मल। इसकी जो नॉर्मल है वो है ये और ये पॉइंट, तो जोड़ दो, ये इसकी नॉर्मल है। ठीक है, ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यही तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है। तो जब ये रे ऑफ लाइट गई तो ये भी ये ऐसे टकरा गई, क्यों, इसको ये एंगल इसके बराबर करना था, तो ये इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। ऐसे ही जब भी हमने पैरेलल रे ऑफ लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट करी तो हमने देखा कि सारी रे ऑफ लाइट किसी एक कॉमन पॉइंट से होके गुजर रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी कॉमन पॉइंट से होके गुजर रही है। और क्योंकि वो सारी रे ऑफ लाइट जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस कॉनकेव मिरर के ऊपर मैंने रिफ्लेक्ट करी, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो किसी कॉमन पॉइंट से गुजरी, तो इस वजह से इस मिरर को हम कहते हैं
कन्वर्जिंग मिरर बिकॉज इट कन्वर्जेस द पैरेलल बीम ऑफ लाइट एट अ सिंगल पॉइंट, और उस पॉइंट को हम कहते हैं इसका फोकस। ये जो पॉइंट होता है इसको हम क्या कहते हैं? फोकस। और इस मिरर से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। और जो ये फोकस है और जो ये सेंटर है, ये भी तो सेंटर है, इसमें भी एक रिलेशन होता है, वो ये कहता है इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जो लेंथ है उसको हमने कहा रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जो पॉइंट है उसको कहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो पॉइंट है उसको हमने कहा फोकस, और जो लेंथ है उसको हमने कहा फोकल लेंथ। कहां से? यहां से, इस वाले पॉइंट से। और इस पॉइंट को हम कहते हैं इसका पोल। पोल वो पॉइंट है, पोल किसी भी कंकेव मिरर का या कन्वेक्स मिरर का वो पॉइंट है जहां पे अगर कोई लाइट आके इंसिडेंट करेगी तो वो उसी एंगल पे वापस चली जाएगी। तो इसलिए इस एक्सिस को हम प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं। तो इसमें नोट करने वाले पॉइंट क्या क्या है? एक मिरर में हम एक पोल को नोट करेंगे, हम एक फोकस को नोट करेंगे, एक फोकल लेंथ को नोट करेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस को, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर को, और एक रेडियस ऑफ कर्वेचर को, ठीक है। और इस पूरे मिरर के इस पूरे फिनोमिना को हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। समझ में आई ना? लिख लेना इसको अपने हिसाब से कि इसको कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, क्योंकि सवाल ये आपके पास पेपर में नहीं आने वाला कि इसको कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं। बहुत कम चांसेस है 11th 12th क्लास में कि ये सवाल पूछा जाए, क्योंकि ये 10th का सवाल है जनरली। तो अब अगला सवाल ये आता है कि कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, व्हाई कन्वेक्स मिरर इज नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। देखो उसमें भी सेम यही थ्योरी है, अगर मैं एक कन्वेक्स मिरर बना दूं तो डाइवर्जिंग मिरर बना देते हैं। इसकी डाइवर्जेंस दिखा देंगे कैसे होती है डाइवर्जेंस इसकी। देखो ऐसे किया है ना, तो इसमें हम इसको ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, बट यहां से इसको पेंट कर दिया। अब ये जो इसका सरफेस है, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब कि रे ऑफ लाइट इस वाले पार्ट पे पड़ेगी, ये है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अच्छा यहां से लेके यहां तक के हिस्से को जिसके ऊपर रे ऑफ लाइट पड़ती है इसको हम कहते हैं इसका अपर्चर। जैसे कि यहां से लेके यहां तक वाले हिस्से को हम कहते हैं अपर्चर, जिसके ऊपर रे ऑफ लाइट पड़ के रिफ्लेक्ट होती है, दैट इज नोन एज अपर्चर। अब इसका अपर्चर ये है, अगर मैं बात करूं इसको नाम दे दिया ए और ए डैश, तो ए डैश इज द अपर्चर ऑफ दिस कन्वेक्स मिरर। अच्छा अब देखो ये भी तो बेटा किसी गोल सरफेस का पार्ट रहा होगा, ये इस गोल सरफेस का पार्ट रहा होगा जिसका सेंटर ये होगा, ठीक है। तो जितने भी सेंटर से इसके सरफेस के ऊपर लाइन जाएगी वो सारी क्या है? उसकी नॉर्मल रेज है, ठीक है। तो हम एक ऐसी नॉर्मल रे बनाएंगे जो कि इसके ऊपर जाएगी जिस पॉइंट से और वैसे ही वापस आ जाएगी, तो उसको हम क्या कह देते हैं? इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। ये पॉइंट क्या हो गया? इसका पोल, ठीक है। अब कोई रे ऑफ लाइट यहां से आई, इसके पैरेलल आई, तो उस पैरेलल रे ऑफ लाइट का क्या हो रहा है कि वो अपने लिए, क्योंकि वो इंसिडेंट रे है, वो अपने लिए एक नॉर्मल ढूंढ रही है। इसकी नॉर्मल कहां से आएगी? ये रही इसकी नॉर्मल, ये रही इसकी नॉर्मल। अच्छा जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल होता है उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अब ये रिफ्लेक्ट होके कहां जाएगी? देखो आप एक बात ध्यान देखो कि ये आपकी नॉर्मल रे है और ये इंसिडेंट रे है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे ये, सॉरी इंसिडेंट रे और नॉर्मल ये है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहां बनेगी? वो नॉर्मल के दूसरी तरफ बनेगी। अगर नॉर्मल के इस तरफ इंसिडेंट रे है तो नॉर्मल के दूसरी तरफ क्या बनेगी? रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो नॉर्मल के इस तरफ क्या है?
इंसिडेंट रे, तो दूसरी तरफ क्या बनेगी, रिफ्लेक्टेड रे, उसी एंगल पे बनेगी जिस एंगल पे हमारी इंसिडेंट रे थी, इतना ही एंगल पे। इतना ही एंगल अगर मैं यहां से मेजर करूं तो ये रे यहां से आई और टकरा के ऐसे चली गई, अंदर नहीं गई इसमें, टकरा के, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, तो ये है आपका एंगल आर, वेयर एज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, क्योंकि ये तो मेरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये हर जगह फेवर होगा, ये हर जगह बराबर होना चाहिए। तो क्या होता है कि एक रे ऑफ लाइट आई ऐसे चली गई, दूसरी पैरेलल से आई वो ऐसे चली गई, और कोई पैरेलल से आई वो और फैल गई, कोई और आई वो और फैल गई। तो हमने क्या देखा, जितनी भी रे ऑफ लाइट इसके ऊपर, पैरेलल रे ऑफ लाइट इसके ऊपर आ रही थी, तो वो इसके ऊपर टकराने के बाद क्या हो गई, फैल गई, डाइवर्ज हो गई। दैट्स व्हाई दिस मिरर इज नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। कन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने भी पैरेलल रे ऑफ लाइट इसके ऊपर आके पड़ती है वो सारी फैल जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। बट इसमें भी एक खास बात यह है कि ये जो रेज ऑफ लाइट है ना सारी, एक किसी कॉमन पॉइंट पे आके, जैसे कि ये रे ऑफ लाइट अगर मैं इसको आगे एक्स्ट्रापोलेट करूं, इसको एक्स्ट्रापोलेट करूं, ठीक है, मेरी तो अभी बिल्कुल ठीक नहीं बनेगी, आप कहोगे सर लाइन आपकी टेढ़ी मेढ़ी जा रही है। जब इन सारी डाइवर्जिंग रेज को मैंने इस मिरर के अंदर एक्स्ट्रापोलेट किया, मतलब कि अगर मैंने इसको वर्चुअली देखा, कि ये वर्चुअली इसके अंदर देखा, तो मैंने ये देखा ये भी सारी एक पॉइंट पे आके मीट कर रही है, यहां पे एक्चुअली मीट कर रही थी, यहां पे ये वर्चुअली मीट कर रही है। तो कन्वेक्स मिरर में जो आपकी इमेज आपको फॉर्म होती हुई दिखाई देती है वो एक वर्चुअल दिखती है, और इसके अंदर क्या दिखती है, एक रियल दिखती है। तो ये हम अगली क्लास में देखेंगे कि इसकी जो इमेज है वो रियल इमेज होती है और इसकी जो इमेज होती है वो वर्चुअल होती है। वर्चुअल इसलिए क्योंकि एक्चुअली तो वो डाइवर्ज हो रही है, बट ऐसा लगता है कि वो, अगर आप यहां से देख रहे हो तो ऐसा लगेगा कि वो सारी रेज ऑफ लाइट ये 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 एक पॉइंट पे मीट कर रही है, और उस पॉइंट को भी हम कहते हैं फोकस, और यहां से लेके यहां तक पोल तक की दूरी को हम कहते हैं फोकल लेंथ, और जो फोकस का डबल होता है उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी को भी हम यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको नोट डाउन कर लो। बस आज की क्लास के लिए इतना ही, अगली क्लास में इमेजेस के ऊपर बढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है, और इसके अलग अलग रे डायग्राम देखने वाले हैं। आ जाओ अपनी जगह पे आराम से बना लो, तुम्हें दिक्कत हो रही है ना।